पर लाठी चार्ज हुआ है सर, सरपंच पर लाठी चार्ज हुआ है सर। सवाल क्या है? सरपंच पर लाठी चार्ज हुआ है, दूसरी सरकार की निंदा कर रही है। समाचार तो है, विपक्ष ने निंदा कर रहे सर इस चीज की। आज आम आदमी पार्टी ने देखिए जो ये पूरा विषय है, जो सारा हरियाणा के अंदर इसकी चर्चा है, हम उसमें इतना ही कहेंगे कि जनप्रतिनिधि अपने दायित्व को, जनता के प्रति अपने दायित्व को, कर्तव्य को, हम उसमें इतना ही कहेंगे कि जनप्रतिनिधि अपने दायित्व को, जनता के प्रति अपने दायित्व को, कर्तव्य को अच्छे से अच्छे कैसे निभाए, इस पर मिल बैठ करके बातें करनी चाहिए। और जो हमारे सरकार में भी प्रतिनिधि साथी हैं, मैं अपने मित्र हैं, हमारे साथी हैं, उनको इतना सुझाव जरूर दूंगा जो हमारे मंत्री जी हैं, कि जनता के साथ में, जनता के प्रतिनिधियों के साथ में अच्छे स्वभाव और अच्छे व्यवहार से, अच्छे वातावरण में बातचीत करेंगे तो लोकतंत्र में संवाद ही समाधान का रास्ता है। ये मेरे सरपंच साथियों को भी सुझाव है और ये मेरे माननीय मंत्री जी को भी सुझाव है। ये किसी के अहंकार का विषय नहीं है, सबको परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हुए, वो भी अपने स्तर पर जनता के प्रतिनिधि हैं और अगर उनकी कोई बात है तो उसको अच्छे वातावरण में सुना जाए, एक अच्छी परंपरा के साथ में वातावरण में बातचीत हो। कर्तन साहब एक बात है कि एक सवाल है आपसे, उनको काट के उन्हें अनुमति दे दी उन्होंने। कर्तन साहब एक बात है कि जैसे सरपंच राइट टू कॉल के माध्यम से बात रखी गई है, कानून पास किया है, क्या ये भविष्य में संसद पर या विधायकों में मान्य होगा? भविष्य के गर्भ में है, ये तो संसद का काम है इन चीजों पर कानून बनाना। कैप्टन साहब आप कुछ आप भी प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हैं, उस समय प्रदेश में कितना कर्ज था, कितना घाटा बजट का था, अब ये क्यों बढ़ रहा है? आपने यहाँ उपस्थित थे, आपने मेरी परिचर्चा में मेरे संबोधन को सुना, आप उसको सुन लेते तो आपको पता चल जाता कि हरियाणा के पिछले 8 वर्षों में वित्त प्रबंधन पिछली सरकारों की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर हुआ है और पहले से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। और मैं निवेदन करूँगा विपक्ष के साथियों को कि अभी बजट के ऊपर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने लंबी चर्चा का समय दिया है, विपक्ष के साथी जो भी उनकी समझ बुद्धि है वह विधानसभा के पटल में जनता के प्रतिनिधि के तौर पर वह अपनी बातें रखें, सवाल करें मुख्यमंत्री जी से। सर ऐसा कैसे? एक पूरी बात जी सर, सवाल करें वो मुख्यमंत्री जी से, सरकार से सवाल पूछे और उन सवालों के जवाब को सुनने के लिए भी बैठे। बतौर वित्त मंत्री मेरा 5 साल का अनुभव है कि वह शूट और स्कूट की पॉलिसी पे चलते थे, अपनी बात झूठी बात कहकर के, झूठी कह रहा हूँ, झूठी बात कहकर के चले जाते थे, लेकिन सुनने का उनको धैर्य नहीं रहता था। तो वह सच्चाई को समझें, उनके कार्यकाल के लिए हुए लोन आज के कार्यकाल की तुलना में उनके लोन्स कहीं ज्यादा थे, आज पारदर्शिता है, पहले उनके कार्यकाल में पारदर्शिता नहीं थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।